टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र दुर्जनपुर गांव में राशन की दुकान की खुली बैठक में दो पक्षों के विवाद में चली गोली। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी में कानून व्यवस्था किस कदर चरमाई गई है, इसका नजारा देखने को मिला बलिया जनपद में, जहां दबंगों को न अधिकारियों का डर है न वर्दी वालों का खौफ। दरअसल रेवती थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में राशन की दुकान के चयन को लेकर खुली बैठक थी, जिसमें एसडीएम, सीओ और एसओ सहित गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसी दौरान दो स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने वाले आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को रोक दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ और दबंग धीरेंद्र सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड की फायरिंग में जयप्रकाश पाल को गोली लग गई, वहीं इलाज के लिए ले जाते समय जयप्रकाश की मौत हो गई। छोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यू सी दबंग है उनसे बात विचार हुआ, उसी नहीं हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साध कर मार दिए गोली। गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के कोटे की दुकान के लिए गांव में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, पर इस घटना से जिस तरह भाजपा विधायक के करीबी आरोपी धीरेंद्र सिंह ने अधिकारियों की मौजूदगी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, ये घटना यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आज ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें दो सहायता समूह के लोग थे, एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में अलग हाशनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे, इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामापाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है, पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही समस्त की जाएंगी। ऐसी रिपोर्ट और सूचना नहीं है, पर्याप्त पुलिस बल है, यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था। जैसा भी होगा सब चीज़ों की जानकारी की जा रही है आपको। जैसा टाइम 24 न्यूज के लिए बलिया से राणा प्रताप की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।